इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को मतदान हुआ, जहां मतदान को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ इस बार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी खास व्यवस्था की, जिसके लिए मतदान केंद्र पर पहले मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, वहीं सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। इस दौरान मतदाताओं से सख्ती से मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के निपानिया मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता मयंक शर्मा ने, देखिए यह खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं मतदान की यहां पर क्या स्थिति है। नमस्ते, बंदरा निकम। सर अभी तो कम है वैसे, मतलब अभी शायद सुबह का टाइम है, लोग ऑफिस वगैरह जा रहे हैं इसलिए, पर हाँ दोपहर तक अच्छी स्थिति है, शाम को 6 बजे तक का है। कितने प्रतिशत की उम्मीद हम मान सकते हैं, कितना अनुमान लगा सकते हैं कि होगा? इस हिसाब से अभी देख रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि 70 से 75% तो होगा ही होगा। सुरक्षा व्यवस्था का क्या है मैडम कोरोना काल को देखते हुए इधर? सर सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पहले भी मतलब जैसे हम लोगों ने आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन लोगों के साथ में ये मतलब जाके सब लोगों को समझाया है कि ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मतलब सैनिटाइज़र और मास्क और जो शीट रहती है वो सारी सब कुछ दी गई है इन लोगों को, तो मतलब ये सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ये सब उपलब्ध है वहाँ पर जी। वहाँ पे बाहर बैठे हैं जो, तो वो मतलब देख रहे हैं, अगर मास्क नहीं है तो मास्क दे रहे हैं, हैंड ग्लोव्स नहीं है तो वो उनको वो भी दे रहे हैं, मतलब जब मत डालने जा रहे हैं उस वक्त एक हाथ का हैंड ग्लोव्स भी दे रहे हैं। धन्यवाद मैम। इस वक्त हम लोग खड़े हैं सांवेर विधानसभा के निपानिया क्षेत्र में, मतदान क्रमांक 222, 223 और 224 नंबर है यहाँ पर, और कोरोना काल में ये स्वास्थ्य के प्रति इन अधिकारियों ने क्या इंतजाम किए हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। जी नमस्ते सर। नमस्ते, डॉक्टर प्रशांत सिंह चौहान। सर ये कोरोना काल को देखते हुए मतदान में आपकी तरफ से स्वास्थ्य के प्रति क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, अभी पिछले 9 महीने से कोरोना की वजह से सारी चीज़ें अभी बंद थी, लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खोला गया है, बट अभी भी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो महामारी काफ़ी बड़े वर्ल्ड लेवल पर फैल चुकी है, तो उसके लिए हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी काफ़ी सारे इंतजाम करके रखे हैं। पहली बार स्वास्थ्य विभाग की इतनी टीम्स को लगाया गया है, हर बूथ पे 4 लोगों की टीम को रखा गया है। वो टीम सबसे पहले जो मतदाता आता है उसका टेम्परेचर चेक करती है, टेम्परेचर अगर उसका नॉर्मल है तो फिर उसको सैनिटाइज कर किया जाता है, उसके बाद उसके एक हाथ में ग्लव्स देके जिससे वो मशीन में जो बटन दबाएगा उस हाथ से ग्लव्स दिया जाता है, और अंदर जाके जब वो मतदान पूरा कर लेता है अपना, फिर उसको लौट के दोबारा सैनिटाइज करके वो ग्लव्स को डिस्पोज करवाया जाता है, जिससे कि वो सुरक्षित मतदान कर पाए और जितने हमारे कर्मचारी लगे वो भी सारे सुरक्षित रहें। इन चांस बाई चांस अगर कोई ऐसा मतदाता आता है जो जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए बोलते हैं प्रतीक्षालय में, वहाँ विश्राम करता है, फिर आधे घंटे बाद चेक करते हैं, अगर उसका नॉर्मल आ जाता है तो उसको मतदान हम लोग करवा लेते हैं, बट अगर इनकेस फिर भी उसका बढ़ा हुआ है तो उसको फिर बोलते हैं कि आप घर पर जाइए, थोड़ी देर आराम करिए, फिर 4 बजे के बाद जैसे भीड़ कम हो जाएगी, लाइन वाइन कम हो जाएगी, फिर उसके बाद में उनको मतदान सबका कराया जाएगा, मतदान से कोई वंचित नहीं रहेगा, अगर कोविड पॉजिटिव भी है उसका भी मतदान कराया जाएगा। लास्ट में 5 बजे के बाद का जो रहेगा उसमें जो लोग ऐसे सस्पेक्टेड हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए अलग से मतदान कराया जाएगा, और अगर पॉजिटिव हैं तो उनको पीपी किट पहना के और फिर मतदान कराया जाएगा। मतलब भीड़ भाड़ से अलग अगर वो पाए जाते हैं तो उनको अलग से स्पेशल कराया जाएगा, लाइन में ना लगें तो और लोग भी उससे अफेक्टेड ना हो, और हमारे कर्मचारियों को भी पता रहे कि पॉजिटिव हैं तो उस हिसाब से उनको पीपी किट पहना के फिर उनको मतदान कराया जाएगा।